नमस्कार, समर इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। मैं बता दूं कि इस समय जो भीषण इस समय गर्मी, जो गर्मी का प्रकोप है, पहले मैं गर्मी के बारे में इनसे पूछूंगा। और इस समय ठीक 12:35 हो रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि जो टेम्परेचर इस समय कितना हाई हो रहा होगा। और इस समय मैं यहाँ पर देखो बात करूंगा, जो मिर्च है, मिर्च, इस मिर्च के बारे में जानकारी रहूंगा कि ये मिर्च कौन सी होती है और इस मिर्च से क्या फायदे होते हैं और ये कहाँ कहाँ तक सप्लाई की होती है। हाँ जी, पहले अपना नाम बताएंगे जी। मेरा नाम धर्मपाल सैनी है, मैं ढवारसी का रहने वाला हूँ। जी जी, आप बताइए मिर्च का क्या नाम है इसका? 038 नाम है इसका। 038, इसकी क्या? 078। 078। इस और मिर्च की और भी वैरायटी होती है? यही बहुत वैरायटी होती है, तो इन सब वैरायटियों में ये टॉप की है। अपनी अपनी पसंद है जी। क्या खासियत है 068 की? 068 इसकी जो काफी दिन चलती है, ज्यादा दिन चलती है इसकी, वो जो है और मोड मिर्च है वो जल्दी खत्म हो जाती है पेड़ उसके। अच्छा, ये ज्यादा ज्यादा दिन ज्यादा टाइम रुक जाती है इस मिर्च में। तो ये मिर्च खाने का इसका जो टेस्ट होता है तो कैसा होता है? ये चटपटी होती है? चटपटी होती है या ये थोड़ी कम चटपटी होती है? नहीं, इतनी ज्यादा चटपटी नहीं होती है हरी मिर्च। अच्छा, नहीं, ये गुच्छे वाली भी तो होती है ना? गुच्छे वाली ज्यादा चटपटी होती है। ये बिना गुच्छे वाली? अगर गुच्छे वाली, आइए दिखाइए, पेड़ दिखाइए, आइए देखिए मेरे साथ, आप बने रहिए और हमारे आप समर इंडिया चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समर इंडिया चैनल सही और हकीकत दिखा रहा है। इस समय मिर्च के खेत में हूँ, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मिर्च का खेत है। और ये बता दीजिए धूप के बारे में, और बता दीजिए थोड़ा सा धूप कितनी पड़ रही है इस समय? गर्मी, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। इधर को देख के बात जी, गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम। कितनी यहाँ पर इस समय टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम 12 बज रहे होंगे। देखिए 12:30 बजे है और इस समय आप देख रहे हैं कि मैं इस समय हरी मिर्च के, इसे देखिए ये मिर्च का पेड़ है, ये कैमरा मैन दिखाइए, ये मिर्च का पेड़ है जी जी। इसको ये का ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि गुच्छे वाली का वास्तव में जाक और भी तेज होती है, इतनी तेज भी नहीं होती। तो ये कितने दिन में इसकी पैदा हो जाती है? इसकी पैदावार जी 140 दिन से बच्चा देने लगती है। 140 दिन से? और करीब करीबन 7 महीने तक। 7 महीने? कितनी पैदावार कितनी होती है इसकी? इसकी बीघे के हिसाब से होती है कितनी? बीघे के हिसाब से मान लो जी जी 40 क्विंटल की पैदावार। नौने की कितनी है? ज्यादा जी जी, आप अपना नाम बताइए जी। आवन नाम है। अच्छा, आप भी किसान है? हाँ, किसान है जी जी। आप अपना नाम बताइए जी। आवन नाम है। अच्छा, आप भी किसान है? हाँ, किसान है। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए ये मिर्च कहाँ कहाँ तक ये सप्लाई होती है? ये तो पूरे भारत में सप्लाई, पूरे भारत में होती है। और ये मिर्च इस समय कहते हैं कि बरसात में मिर्च और प्याज जो वो खा देती है, तो उसके और फायदे बताइए उन मिर्च के। मिर्च के फायदे का ये तो पता ही है कि अगर सब्जी ना बने चटनी बना लो, और या और फायदे क्या? नहीं, चटनी सब्जी में अगर मिर्च ना पड़े तो और बात है, जब मिर्च पड़ती है तो और बात, थोड़ा टेस्ट आ जाता, टेस्ट आ जाता। तो इस मिर्च को और कौन कौन सी मिर्च की वैरायटी होती है ये बताइए? 113 है जी, एक वो है सुनीति है जी जी, और 48-84 है। 48-84 हाँ, एक एक और नूतन है। नूतन है, नूतन सबसे बढ़िया, अच्छी क्वालिटी। अच्छा, अच्छा, तो इसकी जो अगर आप बात करें पैदावार की, तो सही से बताइए पैदावार कितनी अच्छी पैदावार हो जाती है? बस इसकी अगर खूब बढ़िया टैल करोगे तो 8 क्विंटल तक मिर्च निकली आती है। अच्छा, 8 क्विंटल तक? तो आपकी कितना अंदाजा बैठता है, आपकी कितनी मिर्च निकली आएंगी अंदाजा? ये तो ज्यादा ज्यादा एवरेज देगी जी जी, 6 क्विंटल का एवरेज देगी। 6 क्विंटल का? अच्छा, इसकी मार्केट में कीमत क्या माना है? जैसे कीमत, कीमत इसकी 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो आज के बाद इस टाइम तो। और ये सही बताते हैं कि जो कीटनाशक दवाई वगैरह, ये अंग्रेजी दवाइयाँ भी लगाई जाती है इसके अंदर? हाँ, मगर दवाई का मतलब ही ना, दवाई भी लगाई जाती है। तो ये तो भी सेहत पर नुकसान भी दे सकती है मिर्चा? नहीं, सेहत पर नुकसान तो नहीं देंगी, पर बाकी थोड़ी हल्की दवाई लगाई जाती है। अच्छा, ताकि इसमें कीड़े ना पड़े। अच्छा, तो आप देख रहे हैं मिर्चा यहाँ पर। और इस समय गर्मी के बारे में बता दीजिए, गर्मी टेम्परेचर ज्यादा है, मिर्च कम बन रही है? कम बन रही है? हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से मिर्च कम बन रही है, अन्यथा जो 10 क्विंटल तक निकली आती। 10 क्विंटल तक? तो धूप ने फसल पर भी असर डाल दिया है? पूरा फसल पर डाल दिया, लगे कहीं ना कहीं अपना असर डाल दिया। और आप देख रहे हैं कि मिर्च यहाँ पर टूटी है। और इस समय अब ये मंडी की तैयारी हो रही है, ये कहाँ के लिए? मंडी की तैयारी हो रही है, मंडी 25 संभल, जिला संभल अभी समय तैयारी की हो रही है। और बता रहे हैं कि ये पैदावार भी काफी बढ़िया पैदावार है, और मिर्च को आप देख रहे हैं। अच्छा, ये पक गई है?
तो ये लाल मिर्चा धूप से पक गई हैं। तो अब तो यहाँ देखे, यहाँ पर वर्कर भी यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं। बच्चे तुम भी आए थे, क्या नाम है तुम्हारा? रुपेंद्र। रुपेंद्र जी, अच्छा धूप बता दीजिए, धूप का क्या हाल है आज? धूप कितनी पड़ रही है आज? धूप तेज पड़ रही है आज। तेज पड़ रही है, तो देखिये यहाँ पर ये इस समय मिर्च को यहाँ से भरकर लाद कर और सीधा सीधा कहिए कि मंडी तक पहुँचाने का यहाँ पर तैयारी की। आप इस समय देख रहे हैं कि ये मिर्च के, मैं यहाँ पर मिर्च के बिल्कुल जो खेत है और इस खेत में हूँ, और मिर्च गर्मी की वजह से कुछ कम भी, पूरा प्रकोप जिस तरीके से गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, और ये तो किसान को ही, आप समय पर जवान या फिर खेत पर किसान, इस समय ठीक 1 बज गया इस समय मैं टाइम, और आप देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में ये किसान यहाँ पर जो वहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं और मिर्चा तोड़ी भी है, देखिए तोड़ तोड़ कर जिस तरीके से ला रहे हैं, तो इनको ही हो सकता है क्योंकि जय जवान और जय किसान ये सर्वोपरि है। और हम भी अपने इन किसानों को धन्यवाद देते हैं, हिम्मत को भी धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मिर्च